हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7N पे हैं और यहाँ कह रहे हैं निम्न समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऐसे देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। ए नंबर में हमें यहाँ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है कॉस एक्स बाई में 1 माइनस का साइन एक्स और इंटू में 2 माइनस का साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, इसलिए हम लोग इसमें पुट कर लेंगे साइन एक्स के जगह पर टी और इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू में डी टी बाई में डी एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। चलिए अब आगे देखते हैं, ऊपर यहाँ डी टी हो जाएगा, नीचे 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस का टी। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग इसे देखते हैं, हम लोग इसे ऐसे ले सकते हैं कि नहीं, लेट 1 बाई 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी इक्वल टू में ए बाई 1 माइनस टी प्लस का बी बाई 2 माइनस का टी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1 बाई 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी इक्वल टू में, इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी, इसमें से डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू में 2 माइनस टी प्लस, इसमें से डिवाइड नहीं कर जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा बी इंटू में 1 माइनस का टी। चलिए अब इसके बाद देखिए, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही पुट करके निकालेंगे ना जी, हिट एंड ट्रायल मेथड से। चलिए तो हम लोग यहाँ अगर टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग टी का वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 रखते हैं ये 0, यहाँ हम लोग 1 रखेंगे तो है ना, 2 में से जाएगा 1, तो 1 में ए से गुना होगा तो ए आएगा और ए इक्वल टू यहाँ से वैल्यू हो गया 1। चलिए अब बी का वैल्यू देख लेते हैं, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग ए का वैल्यू 2 यहाँ एक टी के जगह पर 2 रख दें, टी के जगह पर 2 रख दें, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। टी के जगह 2 रख रहे हैं, टी के जगह 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 बी हो जाएगा ना, तो यानी माइनस बी इक्वल टू 1 यानी बी बराबर में माइनस का 1। चलिए अब आगे देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, यहाँ 1 बाई में 1 माइनस टी इंटू में 2 माइनस टी डी टी इक्वल टू में, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ए बाई में 1 माइनस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी और प्लस बी बाई में 2 माइनस का टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ए का वैल्यू है आपके पास क्या 1, तो 1 बाई 1 माइनस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी और यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस 1 बाई में 2 माइनस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। अच्छा देखिए नीचे इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1 होगा, इसलिए माइनस एक यहाँ और एक यहाँ हमें लगाना पड़ेगा माइनस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला का डिफरेंस ऊपर है इसलिए लॉग 1 माइनस टी और प्लस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका माइनस 1 डिफरेंशिएशन होगा ना, इसलिए लॉग 2 माइनस का टी प्लस टी, तो प्लस में या माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा लॉग है, तो लॉग 2 माइनस टी बाई में 1 माइनस टी प्लस सी। चलिए टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, तो टी का वैल्यू हमने उसमें क्या पुट किया था साइन एक्स ना, चलिए तो हम लोग साइन एक्स रख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा लॉग 2 माइनस का साइन एक्स और बाई में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका बी नंबर देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन निकालना है sec स्क्वायर एक्स और बाई में है यहाँ पर tan x प्लस 1 इंटू टेन एक्स प्लस का 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए अब इसमें पुट कर सकता है tan x को t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, ठीक है, तो tan x को हम लोग यहाँ t पुट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका होता है sec स्क्वायर x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे dt टी बाई में डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू में dt, ठीक है। चलिए ऊपर आपका dt हो जाएगा और नीचे t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग वही पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, लेट 1 बाई टी प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 इक्वल टू में a बाई टी प्लस 1 और प्लस में b बाई टी प्लस 2। चलिए इधर एलसीएम ले लेंगे, 1 बाई टी प्लस 1 इंटू में t प्लस 2 इक्वल टू में यहाँ एलसीएम हो जाएगा टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 2, इसमें से डिवाइड करेंगे, जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू में टी प्लस 2
और प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो बी इंटू में टी प्लस वन। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इससे ये कट जाएगा। चलिए अब यहाँ ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग टी का वैल्यू माइनस वन यहाँ रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन यहाँ रखेंगे तो प्लस का वन, और ए से गुना हो जाएगा तो ए आएगा, यानी ए का वैल्यू यहाँ से वन हो जाएगा। बी का वैल्यू देखिए, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ टी की जगह पे यहाँ रख देते हैं माइनस का टू, तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू रखने तो माइनस बी इक्वल टू माइनस वन, बी का वैल्यू माइनस वन आ गया। चलिए ए भी निकल गया, अब इसी को ना इंटीग्रेट किया जाता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए वन बाई टी प्लस वन इंटू में टी प्लस टू विथ रेस्पेक्ट टू टी, ए बाई में टी प्लस वन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ बी बाई टी प्लस टू विथ रेस्पेक्ट टू टी। चलिए ए और बी के वैल्यू, ए का वैल्यू वन है तो वन बाई टी प्लस वन डी टी, और बी का वैल्यू माइनस वन, तो यहीं पे माइनस दे देते हैं पहले ही, है ना, और फिर यहाँ वन बाई में टी प्लस टू डी टी। चलिए इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस वन और यहाँ माइनस लॉग टी प्लस टू, क्योंकि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, माइनस में तो भाग में ना चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा लॉग टी प्लस वन और बाई में टी प्लस टू प्लस सी, टी का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो टी का वैल्यू है यहाँ पर लॉग एक्स ना, तो लॉग सॉरी लॉग एक्स कह रहे हैं टेन एक्स है, टेन एक्स है, टेन एक्स प्लस वन बाई में टेन एक्स प्लस का टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए थ्री का सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में यहाँ देखिए हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया है टू एक्स माइनस थ्री बाई में है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री बाई में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन की जगह पर वन का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं और इंटू में टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, अच्छा विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पर एक्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री बाई में, इसको देखो स्क्वायर में है दोनों, बीच में माइनस देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन और इंटू में आपका टू एक्स प्लस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू। चलिए अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन पे आगे अब हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं लेट टू एक्स माइनस थ्री बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में ए बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस वन प्लस में सी बाई टू एक्स प्लस थ्री। चलिए अब इसके बाद देखते हैं टू एक्स माइनस थ्री बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, इधर आप एलसीएम ले लेते हैं एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री, इसमें से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये दोनों जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा यहाँ पर ए इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस बी इसमें से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये दोनों जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा एक्स प्लस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री, प्लस सी इंटू में इसमें से डिवाइड करेंगे ये दोनों जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन। चलिए ये नीचे वाला टर्म कट जाएंगे। चलिए अब हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ए का वैल्यू निकालना था एक्स की जगह माइनस वन रखेंगे तो जीरो हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन रखते हैं ये पूरा दोनों जीरो हो जाएगा, माइनस वन रखेंगे तो यहाँ माइनस का टू आएगा, माइनस वन यहाँ रखेंगे तो माइनस टू प्लस थ्री यानी कि प्लस का वन और यहाँ माइनस का टू तो यहाँ माइनस टू ए हो जाएगा और माइनस टू ए इक्वल टू में माइनस टू ए इक्वल टू में इधर रखेंगे क्या, हमने यहाँ लिख सकते हैं कि हमने रखा है पुट किया है एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ माइनस टू ए और इधर आपका हो जाएगा माइनस का वन रखेंगे तो माइनस फाइव, माइनस माइनस कट जाएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा फाइव बाई टू। चलिए अब बी के लिए चलते हैं, तो यहाँ बी का वैल्यू निकालना है तो एक काम करते हैं प्लस का वन रख देते हैं, प्लस वन रखने से ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो वन रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका टू और वन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव, तो ये टेन हो जाएगा, टेन बी इक्वल टू में इधर हो जाएगा आप वन रखेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का वन यानी कि बी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई में टेन। चलिए अब सी के लिए तो पुट कर देते हम लोग, यहाँ एक्स के जगह आप पुट कर दो माइनस का थ्री बाई टू,
देखो ना माइनस थ्री बाई टू यहाँ रखोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। माइनस थ्री बाई टू यहाँ रखेंगे तो माइनस थ्री बाई टू और प्लस का वन है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू। तो माइनस वन बाई टू और माइनस का फाइव बाई टू तो कितना हो जाएगा, ये दोनों ये आपका माइनस वन बाई टू और फाइव बाई टू मल्टीप्लाई करके हो जाएगा फाइव बाई फोर। फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर क्या है आपका सी ना इक्वल टू में, इधर हम लोग माइनस का थ्री बाई टू रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो माइनस थ्री बाई टू रखेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का थ्री और यहाँ माइनस थ्री तो माइनस सिक्स हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी। चलिए ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी फोर और वाई में फाइव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अभी हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसी का ना इंटीग्रेशन करेंगे जी। चलिए देखिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस थ्री बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में टू एक्स प्लस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, ए बाई में एक्स प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी बाई में एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी बाई में टू एक्स प्लस थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ए बी सी का यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। चलिए ए का वैल्यू है फाइव बाई टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बी का वैल्यू क्या है तो बी का वैल्यू है माइनस वन बाई टेन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई में एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सी का वैल्यू क्या है माइनस का ट्वेंटी फोर बाई फाइव और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ आ जाएगा वन बाई में टू एक्स प्लस का थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, फाइव बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन बाई टेन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और माइनस का ट्वेल्व बाई फाइव, ये टू यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ट्वेंटी फोर में से टू यहाँ ले लेते हैं, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन टू होगा। चलिए तो फाइव बाई टू यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन और फिर माइनस का ट्वेल्व बाई फाइव लॉग, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन आपका टू ना हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका डी नंबर देखते हैं, डी नंबर हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए कह रहा है। देखिए दिए है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, यही ना दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इसे ऐसे लेते हैं, लेट वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस में सी एक्स प्लस डी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसमें से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये जाकर ऊपर इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ना जी। चलिए ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस इसमें से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। चलिए देखिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये दोनों टर्म कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे, थोड़ा लेंथी लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके कर लें क्या, मल्टीप्लाई करके ही अच्छा हो रहेगा। ठीक है, वन इक्वल टू में चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स क्यूब, ए एक्स क्यूब प्लस का फोर ए एक्स प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का फोर बी प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स प्लस का डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग अलग अलग करते हैं क्यूब वाले को क्यूब वाले के साथ, ए प्लस सी एक्स क्यूब, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ बी प्लस डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाले को एक्स वाले के साथ। देखिए यहाँ पे ये है और फिर यहाँ पे है, यहाँ हो जाएगा फोर ए प्लस का सी इंटू एक्स, फोर ए प्लस का सी इंटू एक्स और कॉन्सेंट वाले को इन दोनों को एक साथ फोर बी प्लस का डी। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब
एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर के गुणांकों को लेने पर। देखिए इधर तो आपका एक्स क्यूब है ही नहीं, ये वाला टर्म इधर है नहीं, तो इसका गुणांक आपका जीरो ना होगा। तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, बी प्लस डी इक्वल टू भी जीरो, फोर ए प्लस सी इक्वल टू जीरो और फोर बी प्लस डी इक्वल टू, ये जो कॉन्स्टेंट वन है ये हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन इसको थर्ड और इसको फोर्थ ले लेते हैं, तो इन दोनों से सॉल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, फोर ए प्लस सी इक्वल टू में जीरो, साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस का थ्री ए इक्वल टू में जीरो, यानी ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ए का वैल्यू जीरो तो सी भी जीरो हो जाएगा, ए और सी दोनों जीरो हो गए। अच्छा बी और डी निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, बी प्लस डी इक्वल टू जीरो, फोर बी प्लस डी इक्वल टू में वन, कट जाएगा माइनस का थ्री बी इक्वल टू माइनस वन, चलिए माइनस माइनस कट जाएगा, ऐसे बी का वैल्यू आ जाएगा वन बाई थ्री, बी का वैल्यू वन बाई थ्री, तो बी का वैल्यू आप यहाँ वन बाई थ्री रखोगे तो डी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का वन बाई थ्री आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो वन बाई थ्री या माइनस वन बाई थ्री आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे इसी को ना इंटीग्रेट करेंगे, चलिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस फोर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही ना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर टू फोर। चलिए क्या था, तो आपका था इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का फोर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ए का वैल्यू यहाँ जीरो इंटू में एक्स और बी का वैल्यू है आपके पास वन बाई थ्री बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस यहाँ पर देखिए सी का वैल्यू जीरो और डी का वैल्यू माइनस का वन बाई थ्री विथ बाई में एक्स स्क्वायर प्लस फोर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं, तो यहाँ आपका वन बाई थ्री बचेगा, जो कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं, वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ माइनस का वन बाई थ्री बचेगा बाहर कर लेते हैं, वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस इसे टू का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पर वन बाई थ्री इसका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई ए यानी वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई में टू प्लस सी, ठीक है, तो यानी हो जाएगा यहाँ से आंसर वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई सिक्स टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर के ए नंबर से, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है एक्स क्यूब प्लस थ्री बाई में एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एक काम करते हैं पहले से डिवाइड करके थोड़ा सा हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए ना आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे ये आपका जो दोनों का जो घात देख रहे हैं इक्वल है, ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, है ना जी, इससे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस थ्री एक बार में, तो एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स माइनस प्लस कट जाएगा यहाँ पे थ्री एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई में एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और चेंज लाते हैं, इंटीग्रेशन वन माइनस का सॉरी वन प्लस है थ्री एक्स प्लस थ्री बाई में नीचे एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन, इसका तो आपका इसको अलग कर दो वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और प्लस यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, आप थ्री एक्स प्लस थ्री लो या फिर थ्री कॉन्स्टेंट कॉमन कॉमन लो, यहाँ पे एक्स प्लस वन और बाई में नीचे
एक्स इंटू में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है ना जी, तो इसको रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब आगे देखते हैं, वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस थ्री इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन बाई में एक्स इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो x माइनस रूट थ्री और इंटू में x प्लस रूट थ्री ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। चलिए अब इसके बाद देखिए, यानी कि हम लोग इसका तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, बचा हुआ इसका हमें इंटीग्रेशन यहाँ करना होगा। तो सबसे पहले इसे लेकर अलग से पार्शियल फ्रैक्शन पे बना लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेट x प्लस वन बाई में x इंटू में x माइनस का रूट थ्री इंटू में एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू में ए बाई एक्स प्लस का बी बाई एक्स माइनस का रूट थ्री और प्लस का सी बाई एक्स प्लस का रूट थ्री। ठीक है, चलिए एक्स प्लस वन बाई में एक्स इंटू में एक्स माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू में यहाँ पर देखिए एलसीएम लेते हैं, एक्स इंटू में एक्स माइनस का रूट थ्री इंटू में एक्स प्लस रूट थ्री, और यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, इसमें से डिवाइड करेंगे, ये एक्स कट जाएगा, ये दोनों जाकर पर मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू में एक्स माइनस रूट थ्री इंटू में एक्स प्लस रूट थ्री, इसमें से डिवाइड ये कट जाएगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा प्लस बी एक्स इंटू में एक्स प्लस रूट थ्री, और प्लस का इसमें से डिवाइड ये कट जाएगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा सी इंटू में एक्स माइनस का रूट थ्री। ठीक है, चलिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वैल्यू किसका, ए बी और सी का। चलिए ए का निकालने के लिए हम लोग एक्स का वैल्यू इसमें जीरो पुट कर देते हैं, जीरो पुट करने तो ये गायब हो जाएगा, जीरो पुट करने ये वाला में टर्म गायब हो जाएगा, जीरो पुट करने यहाँ माइनस रूट थ्री यहाँ प्लस कर दो थ्री मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थ्री ए हो जाएगा, और इधर वन आ जाएगा जीरो पुट करने पर, तो माइनस थ्री ए इक्वल टू वन यानी ए का वैल्यू माइनस का वन बाई थ्री हो जाएगा। चलिए बी के लिए चलते हैं, तो बी के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, बी के लिए यहाँ पर रूट थ्री पुट कर देंगे और यहाँ पे रूट थ्री पुट कर देखो तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा, तो रूट थ्री पुट करेंगे यहाँ पर किसके जगह पे, एक्स के जगह पर, तो एक्स के जगह पर रूट थ्री पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट थ्री, और ये रूट थ्री रूट थ्री टू रूट थ्री, टू रूट थ्री में रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो सिक्स आ जाएगा, और सिक्स इसके डिवाइड में चला जाएगा यहाँ रूट थ्री प्लस वन के, तो रूट थ्री प्लस वन बाई में सिक्स लिख सकते हैं। चलिए अब रहा सी की बात, तो सी क्या निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं सी कहने के माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री करने पर जीरो, यहाँ माइनस रूट थ्री करने पर जीरो, माइनस रूट थ्री करेंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, माइनस रूट थ्री करेंगे तो यहाँ माइनस रूट थ्री और यहाँ माइनस का रूट थ्री सिक्स सी हो जाएगा, और सिक्स सी इक्वल टू में वन माइनस रूट थ्री यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का रूट थ्री पुट कर रहा है, तो वन माइनस रूट थ्री और बाई में यहाँ ये सिक्स चला जाएगा, तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, देख लिए ना ए बी सी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जा रहा है। अब इसके बाद हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है जी, तो पहले इस वाले पार्ट का अलग से कर लेते हैं जो इसमें पुट किए हैं इसी के हिसाब से, और फिर उसके बाद हम आगे उसमें रख देंगे, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बाई में एक्स इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू में एक्स प्लस रूट थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई में एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी बाई में एक्स माइनस रूट थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी बाई में एक्स प्लस रूट थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए ए बी सी का यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो ए का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन वन बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बी का वैल्यू यहाँ पर प्लस का रूट थ्री प्लस वन बाई सिक्स है, और यहाँ वन बाई में एक्स माइनस रूट थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सी का वैल्यू ये रहा, सी का वैल्यू है वन माइनस का रूट थ्री बाई में सिक्स, और यहाँ इंटीग्रेशन वन बाई में वन एक्स प्लस रूट थ्री विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ देखिए माइनस वन बाई थ्री लॉग एक्स प्लस का रूट थ्री प्लस वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस रूट थ्री, और यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका प्लस वन माइनस रूट थ्री बाई सिक्स लॉग एक्स प्लस रूट थ्री और प्लस में सी हो जाएगा।
ठीक है, तो अब इसको या सी लास्ट में ही पुट कर दीजिएगा, सी लगा दीजिएगा। इसको अब हम लोग ऊपर जो पुट कर देते, जो हमें इंटीग्रेशन निकालना था, हमें चूंकि इंटीग्रेशन निकालना था एक्स क्यूब माइनस वन था, एक्स क्यूब प्लस थ्री वाई में एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स, इसी का मेथड जी। ठीक है, यही था, चलिए यही ना था, इसको हमने लिखा था ऊपर, याद है, इंटीग्रेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस में, सॉरी माइनस था कि प्लस था, एक बार देख लेते हैं, अच्छा रह गया, प्लस था ना, प्लस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बाई में एक्स इंटू एक्स माइनस रूट थ्री इंटू में एक्स प्लस रूट थ्री विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसी का इंटीग्रेशन लगा के लाए हैं। चलिए अब इसमें रख देते हैं, तो इसका तो x हो जाएगा और प्लस थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री लॉग एक्स प्लस का रूट थ्री प्लस वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस रूट थ्री, और फिर यहाँ पर प्लस वन माइनस रूट थ्री बाई सिक्स लॉग एक्स प्लस में रूट थ्री। ठीक है, चलिए और प्लस में ये थ्री से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा x माइनस लॉग एक्स प्लस का रूट थ्री प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस रूट थ्री, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वन माइनस रूट थ्री बाई में टू लॉग एक्स प्लस रूट थ्री प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, समझ गए। चलिए अब इसका बी नंबर देखते हैं, इंटीग्रेशन हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए अब हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से एक्स बार, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का एक्स, चलिए मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स प्लस वन आ जाएगा ना जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो हम अब इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन किसका, लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अलग अलग की बात करते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर प्लस इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर टू एक्स प्लस वन बाई में, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में नहीं दे सकते, एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए इसे यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना होगा, लेट टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इक्वल टू ए बाई में एक्स प्लस वन और प्लस का बी बाई में एक्स माइनस वन। चलिए अब इसके बाद देखते हैं टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन, इसमें से डिवाइड कर जाएगा ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू में एक्स माइनस वन, प्लस इसमें से डिवाइड करके कट जाएगा ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा बी इंटू में एक्स प्लस वन, और बाई में ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद ए बी का वैल्यू निकालते हैं, तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस वन रख देते हैं ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन रखने से माइनस का टू ए हो जाएगा, और इधर यहाँ माइनस वन रखने से माइनस का वन आ जाएगा इधर। ठीक है, तो माइनस का टू ए इक्वल टू माइनस वन, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू, बी का निकालने के लिए एक्स का वन रख देते हैं जीरो, वन रखेंगे तो यहाँ थ्री, वन रखेंगे तो यहाँ टू, वन वन टू, तो टू बी इक्वल टू में इधर हो जाएगा थ्री, यानी कि बी इक्वल टू में थ्री बाई में टू। चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ a बाई एक्स प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे प्लस का b बाई एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, a और b क्या वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू वन बाई टू है, वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, b का वैल्यू है थ्री बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं वन बाई टू इसका क्या हो जाएगा, log x प्लस वन और प्लस थ्री बाई टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी, लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर देखिए, हमें यही ना यहीं पे ना पुट करना होगा इंटीग्रेशन, और हम लोग इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन का, हम निकाल लेते हैं एक्स क्यूब
प्लस एक्स प्लस वन बाई में एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसे हमने लिखा था एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन, सॉरी प्लस में था ना यहाँ, प्लस में टू एक्स प्लस वन बाई में एक्स प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन विथ रेस्पेक्ट टू, यही ना था, इसी का हमें इंटीग्रेशन यहाँ निकालना था, देख रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हमने अभी यही निकाला है, तो इसको यहाँ रख देते हैं, इसका तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस ई आ जाएगा वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन और प्लस का थ्री बाई टू लॉग एक्स माइनस वन और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेगा। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।